साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए थे। चीन के टीवी चैनल ने गलवान घाटी में हुए संघर्ष का 45 सेकंड का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों पर पत्थर फेंक रहे हैं और भारतीय जवान मजबूती से चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सच में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थर बरसाए और क्या ये वीडियो सही है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। चीन के इस 45 सेकंड के प्रोपेगेंडा वीडियो को रिलीज कर चीन ने खुद ही अपनी बेइज्जती करवा ली। नए वीडियो में चीन के पत्थरबाज सैनिक एक्सपोज हो गए हैं। चीन ने सोचा था कि ये वीडियो जारी करने से उसका झूठ आगे बढ़ेगा और वो अपने सैनिकों की बहादुरी दिखा पाएगा। इस वीडियो के जरिए उसकी ये दिखाने की कोशिश है कि उसके सैनिक भारतीय सैनिकों पर भारी पड़े थे, लेकिन झूठ चाहे कितना मेकअप कर ले, सच की चमक के सामने फीका ही पड़ता है। चीन का ये वीडियो वाला दाव कैसे उल्टा पड़ गया है? इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय सैनिक चीन की उस निगरानी पोस्ट को नष्ट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने LAC का उल्लंघन किया। चीन की हमेशा की आदत है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़कर चुपचाप अवैध कब्जा करता है। करीब 45 सेकंड के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गलवान नदी के जमा देने वाली पानी में भारतीय जवान मोर्चा संभाले हुए हैं और चीनी सेना के पत्थरबाजी का करारा जवाब भी दे रहे हैं। इस वीडियो में दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग भी दिख रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से भारी संख्या में सैनिक आमने सामने हैं। चीनी सैनिक ऊंचाई वाली जगह पर खड़े हैं और गलवान घाटी में पानी के बीच खड़े भारतीय जवानों पर पत्थर बरसा रहे हैं। इस वीडियो में हिंसा की रात के भी कुछ सीन को भी जोड़ा गया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि लाठी और धारदार हथियारों से लैस चीनी सेना के सामने भारतीय जवान डटे हुए हैं। वीडियो देखकर ये लग रहा है कि भारतीय जवानों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में चीनी सेना को करारा जवाब दिया। खैर, गलवान घाटी में हिंसक झड़प के सच को 8 महीने तक दबाए रखने और गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या को छिपाने रखने के बाद फरवरी में चीन ने गलवान की हिंसक घटना का अर्ध सत्य कबूल किया। वो हमेशा गलवान के सच से मुंह छिपाता रहा और अपने सैनिकों के मारे जाने पर पर्दा डालता रहा। जब पोल खुली तो कहने लगा कि भारतीय सैनिकों के मुकाबले चीन के बहुत कम सैनिक मारे गए थे, जबकि सच इससे उलट था।